संसदीय सचिव एवं विधायक ने आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर उनके बारे में देशवासियों से कहा कि डॉक्टर वीआर अंबेडकर अन्याय के भयावह अंधकार के खिलाफ एकाकी संघर्ष का नाम है। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान के उस ग्रंथ की रचना की गई है जो पूरे विश्व में और किसी देश में नहीं है। डॉक्टर वीआर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और इसी संविधान के चलते ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत माना जाता रहा है। गणराज्य की स्थापना के 73 साल बाद भी आज सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने का एजेंडा पूरा नहीं हो सका है। असमानता पहले से ज्यादा विकट हुई है। पूर्वोत्तर कश्मीर और मध्य भारत के बड़े इलाके असंतोष के कारण हिंसाग्रस्त हैं। जाति अपने विकराल रूप में मौजूद है। बाबा साहब की कामना थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोले और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाएं। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी बाबा साहब की बात आती है आरक्षण को लेकर चर्चा होती है, जबकि बाबा की सोच आरक्षण के मकसद को लेकर यह था कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी योगदान है। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा बेटिंग फॉर ए बीजा में वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में ये मुंबई में शिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संस्थान समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति जिसके कई पद खुलकर जाति भेदभाव व जाति का समर्थन करते हैं कि सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसके स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकर वादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को स्वीकार कर लिया गया तो बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। मेरा मानना है कि भारतीय लोकतंत्र को और सुंदर होना चाहिए था। विधायक विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा अंतर्गत पंचशील बुद्ध विहार बुद्ध चौक रामनगर में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह सहित अंबेडकर मंगल भवन रोटरी नगर रेलवे स्टेशन चौक चांदनी चौक शुक्रवारी बाजार कोटा एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में आयोजित रैली समारोह व जयंती समारोह में शामिल हुए।